नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइनपीर में स्वागत है। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए एक नई बैटरी खरीदने जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप चाहे किसी भी ब्रांड या उस ब्रांड के पर्टिकुलर मॉडल को खरीद रहे हो, लेकिन आपको जो उस टाइम पे जो एक कुछ एक बेसिक जो चीज़ें हैं इनमें चेक कर लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करनी है वो आपको जो है वो इस आउटर कवर पे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो डेट रहती है वो चेक कर लेनी है। जैसे कि आप मेरे केस में देख सकते हैं कि ये 9th मंथ में 2020 में बनी हुई है, तो आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ जो पुरानी बैटरी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, उसी बैटरी को आप लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप 3 मंथ से ज़्यादा अगर कोई बनी हुई बैटरी है वो लेंगे तो वो ख़राब होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ के अंदर अंदर में जो मैन्युफैक्चरिंग डेट हो उसी बैटरी को आप प्रेफर करें लेने के लिए। इसके बाद आप अपनी बैटरी का जो भी ये आउटर कवर है, जो हमारा प्लास्टिक कंटेनर रहता है, इसे आप ज़रूर चेक कर लें कि ये कहीं से भी जो है वो डैमेज तो नहीं है और कहीं से क्रैक वगैरह तो नहीं आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ आप फेडेड सी प्लास्टिक देख सकते हैं, तो अगर क्रैक होगा तो आपको वहाँ से कुछ ऐसा ही फेडेड सा दिखेगा। तो आप उसी टाइम पे उस बैटरी को मत लीजिएगा, क्योंकि वो बैटरी आने वाले टाइम में हो सकता है कि उस जगह से क्रैक हो जाए या उसमें कोई होल डल जाए। इसके बाद आपको जो है अपनी बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट को चेक करना है। मेरे केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं, क्योंकि ये थोड़ी न्यू मॉडल की बैटरी है। जो पुरानी बैटरीज होती थी उसमें यहाँ से आप देख सकते थे कि मैक्सिमम और मिनिमम लेवल कितना है आपके इलेक्ट्रोलाइट का। अगर वो मिनिमम लेवल से नीचे हो चुका है तो आप उसी टाइम पे जहाँ से भी आप बैटरी खरीदें उसके उसके जो सेलर है उसे ही बोलें कि इसमें जो वो इलेक्ट्रोलाइट कम हो चुका है, इसमें पहले आप इलेक्ट्रोलाइट डालें तभी आप इस बैटरी को खरीद सकते हैं। और ये जो न्यू टाइप की बैटरीज है इनमें आप देख सकते हैं ये एक मैजिक आई दी हुई है, और इसमें आपको ये चेक करना है कि इसके अंदर का जो कलर है वो ग्रीन होना चाहिए। तो उसका प्रॉपर मीन्स यही है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये रेड दिखाता है तो आप इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दोबारा से टॉप अप करवा लें। लास्ट चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है इसका वोल्टेज। तो आप जहाँ से भी बैटरी खरीद रहे हो उनके पास में मल्टीमीटर अवेलेबल होते हैं, आप इसकी जो वोल्टेज है वो ज़रूर चेक करवाएं। आप देख सकते हैं कि मेरे केस में तो ये 12.40 अबव है। तो आप अगर आउटर केसिंग देखेंगे तो इसके ऊपर रिकमेंड रहता है, ये देखिए यहाँ पे रिकमेंड किया हुआ है कि इसकी जो वोल्टेज है कम से कम 12.25 होनी चाहिए थी। तो अगर आपके केस में ये 12.25 से नीचे है तो आप उसी टाइम पे इसे बैटरी शॉप में ही चार्ज करवा लें अपनी गाड़ी में लगवाने से पहले। ये सब चेक करने के बाद ही आप अपनी बैटरी की जो फाइनल पेमेंट है वो करें, और साथ ही में जब भी आप अपनी नई बैटरी खरीद रहे हैं तो जो पुरानी बैटरी है उसे भी रिप्लेस वहीं पे करवा लें, ताकि आपको जो वो अपनी पुरानी बैटरी का अच्छा प्राइस जो वो मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी ही आगे आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।